डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना 14th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, दैट इज़ सिमिट्री। सिमिट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स ज्योमेट्री का, और बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ भी होता है। जैसे आर्टिस्ट इसका यूज़ करते हैं, आर्किटेक्ट्स इसका यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने के लिए, और डिज़ाइनर्स भी इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स अलग अलग डिज़ाइंस बनाने के लिए। और हमारे चारों तरफ भी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जो सिमेट्रिकल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल, ब्लैक बोर्ड, ग्लास, बटरफ्लाई, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जिनमें हमें सिमेट्री देखने को मिलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स ये किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी शेप की। देखिए एग्जाम्पल से मैं क्लैरिफाई करती हूँ आपको कि सिमेट्री क्या होती है। जैसे हमारे पास ये लीफ है स्टूडेंट्स, इस लीफ को अगर मैं इस लाइन के अबाउट यहाँ से फोल्ड करती हूँ तो इसके टू इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स, एक ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, और ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरा पूरा कवर भी करेंगे। सिमिलरली इस बटरफ्लाई में स्टूडेंट्स, अगर इस लाइन के अबाउट इस बटरफ्लाई को फोल्ड करेंगे तो इसके टू इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये सिमिट्रिकल हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूँ इस पेपर कटिंग की स्टूडेंट्स, ये पेपर कटिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस कटिंग को यहाँ से इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर रही हूँ तो इसके टू इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, एक ये ऊपर वाला एक नीचे वाला, और दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा कवर भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो पेपर कटिंग मैंने ली हुई है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये सिमिट्रिकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपके पास, ओके। और कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे ए है स्टूडेंट्स, बी है, डी है, एच है, आई है स्टूडेंट्स, ओके। पी जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हम कोई भी लाइन ऐसी नहीं ड्रॉ कर सकते जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी स्टूडेंट्स, ओके। और ये जो लाइन की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर, इस लाइन की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं स्टूडेंट्स। ऐसी लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लें, पूरा पूरा ढक लें स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। और लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है ना स्टूडेंट्स, किसी शेप में, किसी ऑब्जेक्ट में वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, टू से ज़्यादा भी हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। देखिए अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्केयर की, स्केयर की, स्केयर शेप का पता है स्टूडेंट्स आपको, स्केयर में फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। देखिए किस तरीके से, एक तो इस तरीके से होती है स्टूडेंट्स, एक ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, एक इस तरीके से, इसने भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इस शेप को, और इस लाइन ने भी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर टोटल फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी। अगर हम बात करें सर्कल की स्टूडेंट्स, सर्कल में बनेगी इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री, सारी की सारी सेंटर से होकर जाएंगी स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पर कितनी बनेगी, इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री, मतलब सो मैनी, ओके स्टूडेंट, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो किसी फिगर में वन लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पी की, पी अल्फ़ाबेट में कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो इसको फोल्ड करने पर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, सो ये सिमेट्रिकल नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके से आप सिमेट्री को समझ सकते हैं। अगर हम डिफाइन करना चाहें स्टूडेंट सिमेट्री को तो इस तरीके से करेंगे, द क्वालिटी ऑफ बींग मेड अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स फेसिंग ईच अदर और अराउंड एन एक्सिस, ऐसी क्वालिटी जिसके कारण कोई चीज़ सिमिलर पार्ट्स से मिलकर बनी हुई, एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स से, जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, फेसिंग ईच अदर किसी एक्सिस के अराउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या क्या डेफिनेशन बनेगी, अ लाइन दैट कट्स अ शेप एग्जैक्टली इन हाफ, ऐसी लाइन जो किसी शेप को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे स्टूडेंट्स, डिवाइड कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे स्टूडेंट्स। दो तरीके की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री,
इस तरीके से जो होती है, दूसरी होती है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, जो इस तरीके से होती है स्टूडेंट्स। ओके, तो ऐसे आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स में भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको गिवन हैं इस तरीके से। ये सारे एग्जांपल्स आप एक बार देख लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके दिखाई हुई है स्टूडेंट्स। तो ये जो डेफिनेशंस मैंने बताई, ये आप राइट कर लेना नोटबुक में, और जितना भी मैंने बताया इसको रिवाइज करना। अब हम अपनी रिकैप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज जो है स्टूडेंट्स, आपने अपने बुक में ही फिल करनी है और पेंसिल के साथ फिल करनी है स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर सम। नंबर वन, सर्कल द सिमेट्रिकल फिगर्स। ये आपको जो भी फिगर्स गिवन है स्टूडेंट्स फर्स्ट सम में, आपने इनमें से सिमेट्रिकल फिगर को क्या करना है, सर्कल करना, उसके ऊपर सर्कल कर देना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस वाली फिगर की, तो ये सिमेट्रिकल है स्टूडेंट्स। कैसे? इसमें अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी ना स्टूडेंट्स, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी इसको, तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिकल फिगर हो गई। सो इसको आप क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, अब ये एरो दिखाया गया है आपको बोथ साइडेड, सो इसमें भी एक लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सो ये भी सिमेट्रिकल हो गई, इसको भी हमें सर्कल करना होगा। सी पार्ट में वन साइडेड एरो दे रखा है, ये सिमेट्रिकल नहीं है स्टूडेंट्स। कोई भी लाइन ऐसी मैं नहीं ड्रॉ कर सकती यहाँ पर जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब डी पार्ट में ये फिगर गिवन है आपको, मून, हाफ मून जैसी फिगर गिवन है, इसके भी टू इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है इस फिगर में। सो इसको भी आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सर्कल करेंगे। ओके, नाउ ई पार्ट, ये एरो है स्टूडेंट्स, ये भी सिमेट्रिकल है, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हैं इसकी। ओके, फोल्ड करेंगे तो टू इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। सो इसको भी आपने सर्कल कर देना है। बहुत इजी सम्स हैं स्टूडेंट्स, खुद भी कर सकते हैं आप इनको। ये जो कर्व वाली लाइन दिखाई गई है स्टूडेंट्स, ये सिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, सो इसको आप सर्कल नहीं करेंगे। ये सिमेट्रिकल है स्टूडेंट्स, यहाँ से भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी इसकी, हॉरिजॉन्टल भी बनेगी। सो इसको भी आपने क्या करना है, सर्कल करना है स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड सम, फर्स्ट सम आपने कंप्लीट कर लेना है बुक में पेंसिल के साथ। सेकंड सम, सर्कल द न्यूमरल्स दैट आर सिमेट्रिकल। ऐसे न्यूमरल्स को आपने सर्कल करना है स्टूडेंट्स जो सिमेट्रिकल हैं, जिसको हम किसी लाइन के अबाउट अगर कट करें, फोल्ड करें, तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। टू तो सिमेट्रिकल नहीं है स्टूडेंट्स, सो इसको तो सर्कल नहीं करेंगे। थ्री जो है स्टूडेंट्स, वो सिमेट्रिकल बनेगा कैसे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर पाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर वर्टिकल तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी इसको, एक ऊपर वाली साइड, एक नीचे वाली साइड, सो इसको सर्कल कर देंगे। फोर भी सिमेट्रिकल नहीं है स्टूडेंट्स, और फाइव भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। कोई भी लाइन्स ऐसे यहाँ पर ड्रॉ नहीं की जा सकती जो इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, सो सम नंबर टू भी आपने कंप्लीट कर लेना है स्टूडेंट्स। नाउ सम नंबर थ्री, इट्स ऑल्सो वेरी ईजी, सर्कल द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को आपने सर्कल करना है स्टूडेंट्स। अब ए पार्ट में अगर हम बात करें, बटरफ्लाई है स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई सिमेट्रिकल है। यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, फोल्ड करेंगे तो टू इक्वल पार्ट्स बनेंगे इसके। सो इस, ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सो इसको आपने सर्कल करना है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ बी पार्ट, ये फ्लावर गिवन है स्टूडेंट्स आपको, ये भी सिमेट्रिकल है, इस तरीके से भी टू पार्ट्स हो जाएंगे, यहाँ से भी टू पार्ट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स इसके। इस तरीके से करेंगे फिर भी टू पार्ट्स बनेंगे ऐसे भी स्टूडेंट्स। सो कई सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं इसमें, इसको भी आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सर्कल करना है। फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं यहाँ पर, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, टू इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते, ना ही ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से आपने अपनी रिकैप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है स्टूडेंट्स अच्छे से। ओके, और जितना भी मैंने करवाया उसको रिवाइज कर लेना है। डेफिनेशन जो मैंने बताई लाइन ऑफ सिमेट्री की और सिमेट्री की, आपने उनको अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।